शॉर्ट क्लिप्स बिग लेसन्स अभी सब्सक्राइब करें रीडर बुक्स क्लब क्लिप्स को। क्योंकि सर कई बार क्या होता है कि लाइफ में ना आई थिंक ये जो एक्सपीरियंसेस हैं ये यही एक इंसान को क्रिएट करते हैं, इंसान को सही डायरेक्शन देते हैं। क्योंकि जब वो इनिशियल पीरियड में जो अपनी मेहनत कर रहे हैं, सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, द प्राइस दे आर पेइंग नॉट जस्ट विद द मनी बट विद द टाइम एंड एफर्ट, तो आई थिंक वहाँ से ही वो बनते जाते हैं, जो कि शायद आज के टाइम में बहुत हद तक साइडलाइन हो गया है, शॉर्टकट ढूंढते हैं सब लोग। देखो ऐसा है, आज का टाइम ऐसा है, दे आर यूज टू इंस्टेंट टी, इंस्टेंट कॉफी, एंड वो कहते हैं दे वॉन्ट टू रीप बिफोर दे सो, बीज लगाने से पहले ही फसल काटना चाहते हैं। ऐसा होता नहीं, इंस्टेंट टी इंस्टेंट कॉफी ये कुदरत का असूल नहीं है। कुदरत का असूल यही है, यू हैव टू सो बिफोर यू रीप। लेकिन आज की जो जनता है ना, पढ़ के लिख के आती है, एमबीए कर लेती है, एक डिग्री का पर्चा मिला होता है, और क्या करते हैं, एक्सपेक्टेशन उनकी यहाँ पे पहुँची होती है। जानते हो एक्सपेक्टेशन कहाँ से हो गई उनकी, हर एक की एक्सपेक्टेशन मीडिया जो है कहता है अरे सीईओ बन जाओ तुम, डीओ बन जाओ तुम, फलाना बन जाओ तुम, सीईओ बन जाओ, हर एक आदमी एंटरप्रेन्योर बन जाए, तुम सभी एंटरप्रेन्योर बन जाओ। बाप से पैसा लेता है, पैसे है नहीं खुद में, इधर उधर कर रहा है, पैशन क्या है, कहता है मेरा पिज्ज़ा खाने का पैशन है, पिज्ज़ा की दुकान खोल देता है, दूसरे खाना है उसकी पैशन, और उसके बाद चार दिन के बाद पिज्ज़ा चलाना नहीं आता, बैठ के बन जाता है, हो गया पैशन खत्म, मैं एंटरप्रेन्योर बन गया, बन गया बैठ एंटरप्रेन्योर। 99% एंटरप्रेन्योर पहले साल में ही फेल हो जाते हैं, बेवकूफ़ आदमी है यार। देर आर सो मेनी पीपल who are entrepreneurs who are today looking for a job. That's a fact. And not only because majboori ki wajah se, actually entrepreneurship is a different breed. They want to take a job. You see, so it is a very different thing. One has to take ownership and start feeling how to move forward. तो जो ओनरशिप की बात आती है ना, चाहे इंसान को मंथली पेचेक मिले या अपना खुद से पेचेक लिखे, इट इज़ ए फीलिंग ऑफ ओनरशिप। सही एटीट्यूड, ईमानदारी से काम करो और अपना समझ के काम करो कि मेरा काम है, तब तो आप, ये बहुत फर्क है नौकर और मालिक में। खाली तनख्वाह नहीं फैसला करती कि आप नौकर हो या मालिक हो, जिम्मेवारी लेते हो आप मालिक हो, यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर द ओनर, नहीं तो सारी जिंदगी आप नौकरी नौकर हो, दैट्स द डिफरेंस। सो बात यह है, आज उनको पैसे चाहिए, काम नहीं करना है, एंड जिम्मेवारी नहीं लेनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, उनके दिमाग में घुसा हुआ है ओनरशिप का मतलब क्या होता है, अपना बिजनेस करेंगे, क्लब की मेंबरशिप हो जाएगी, उधर घूमेंगे, बड़ी गाड़ी में जाएंगे, इधर देखेंगे, देखते हैं बड़े बड़े बिजनेस व्यापारी को, उन्होंने पीछे इस लेवल पे पहुंचने के लिए क्या क्या किया उन लोगों ने, वो नहीं देखते साहब। तो इसका जवाब ये है, जीतने वाले उस काम करने की आदत बना लेते हैं जो हारने वाले कभी करना नहीं चाहते। रिपीट करता हूँ, जीतने वाले वो काम करने की आदत बना लेते हैं जो हारने वाले कभी करना नहीं चाहते। तो ऐसा कौन सा काम है जो हारने वाले नहीं करना चाहते, वही काम है जो जीतने वाले भी नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी करते हैं। देखिए, हारने वाले सुबह नहीं उठना चाहते, भैया जीतने वाले भी नहीं उठना चाहते लेकिन फिर भी उठते हैं। सी, हारने वाले मेहनत नहीं करना चाहते, जीतने वाले भी नहीं करना चाहते, वो भी छुट्टी करना चाहते हैं लेकिन फिर भी मेहनत करते हैं। वो यही तरीके बात है, आदत बना लेते हैं उस काम करने की जो हारने वाले कभी नहीं करना चाहते, और वही सेम काम है जो दोनों नहीं करना चाहते लेकिन ये फिर भी करते हैं। अब आप देखें, इसके पीछे जो स्पिरिट जो छुपी हुई है वो ये है, कोई भी काम जिंदगी में अगर हमें को सोच के करना पड़े तो कभी हम निपुणता से नहीं कर पाएंगे उसको। इट मस्ट कम ऑटोमेटिक, इट मस्ट कम ऑटोमेटिक, इट शुड बी रिफ्लेक्स, आदत सी बन जानी चाहिए। देखिए, हम लोग जब बड़े हो रहे थे, हमारे माँ बाप ने क्या कहा था, बेटा अच्छी आदतें बनाओ क्योंकि आदतों से ही चरित्र बनता है, क्योंकि 90% हमारा व्यवहार जो है
एक आदतन सी है। अच्छी आदतें होंगी अच्छा चरित्र होगा, बुरी आदतें होंगी बुरा चरित्र होगा, और अच्छी आदतें मुश्किल से आती हैं लेकिन उनके साथ जीना आसान है, और बुरी आदतें आसानी के साथ आती हैं लेकिन उनके साथ जीना मुश्किल है। और जब तक हम आदत को पकड़ते हैं, आदत हमको पकड़ चुकी होती है। अब क्या है इसका मतलब? अक्सर आप सुनते हैं, साहब इसकी तो किस्मत ही अच्छी है, मिट्टी को हाथ लगाता है सोना हो जाती है। इसकी किस्मत खराब है, साहब सोने को हाथ लगाता है मिट्टी हो जाती है। साहब इस बात में सच्चाई है, लेकिन एक लफ्ज इसमें काट दीजिए, किस्मत। क्यों? जब हम कहते हैं, जिसको कहते हैं कि इसमें किस्मत अच्छी है, मिट्टी को हाथ लगाता है सोना हो जाती है, आप उसका जीवन को परखें, उसकी जिंदगी में हर ट्रांजैक्शन को एनालाइज कीजिए, आप देखेंगे पॉजिटिव बिहेवियर एक आदत सी बन चुकी है। वो जब करता है सही करता है, जब करता है सही करता है, और होता सही है, उसके रिफ्लेक्सेस मूव करते हैं, ऑटोमेटिकली उसका बिहेवियर वैसे है। और जिसको हम कहते हैं इसकी किस्मत खराब है, आप उसकी जीवन को एनालाइज कीजिए, हर ट्रांजैक्शन को एनालाइज कीजिए, नेगेटिव बिहेवियर एक आदत सी बन चुकी है, जब करता है गलत करता है, जब करता है गलत करता है, इट हैपेंस रॉन्ग, उसके रिफ्लेक्सेस गलत चल रहे हैं। अब देखें, मार्शल आर्ट जब सीखने लगते हैं लोग, आपको व्हाइट बेल्ट मिलती है, देन यू गेट योर येलो बेल्ट एंड योर पर्पल बेल्ट एंड योर ग्रीन बेल्ट एंड योर ऑरेंज ब्राउन ब्लैक बेल्ट। 5 साल के बाद वो मार्शल आर्ट स्टूडेंट वही प्रैक्टिस कर रहा है ब्लैक बेल्ट मिलने के बाद जो उसने सीखा था व्हाइट बेल्ट के टाइम। क्या? ब्लॉक पंच, ब्लॉक पंच, ब्लॉक पंच। क्यों? क्योंकि टीचर चाहता है कि ये ब्लॉक और पंच एक रिफ्लेक्स बन जाए उसकी। क्योंकि अगर इसका सड़क पर किसी के साथ झगड़ा हो जाए और इसको ब्लॉक पंच करना सोचना पड़े तो ये पिट के आएगा, मार खा के आएगा साहब। ए मार्शल आर्ट स्टूडेंट कभी अपना मूव नहीं यूज करता जब तक आप नहीं करते। आपके बाद इसके रिफ्लेक्सेस ऐसे चलते हैं, ऑल टेक्स इज वन, इट्स ओवर। इसको अगर सोचना पड़े तो कभी नहीं कर पाएगा ये। आप देखें फौज में तकरीबन 60-70% ऑफ द टाइम एक फौजी से होता क्या है, वो दे प्ले वॉर गेम्स, जैसे अभी जंग चल रही हो, दे प्ले वॉर गेम्स लाइक दिस। उसको कहते हैं सिमुलेशन ऑफ वॉरफेयर। व्हाई इज दैट? क्योंकि दे वांट टू ब्रिंग इन इनटू रिफ्लेक्सेस। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि अगर असली में जंग छिड़ जाए और अगर इसे सोचना पड़े जंग कैसे लड़नी है, कभी नहीं लड़ पाएगा। उस टाइम सोचना नहीं पड़ता उसको, उस टाइम रिफ्लेक्सेस चलते हैं साहब उसके। तो इसीलिए कहता हूं कि इंसान को जो अच्छी आदतें हैं हमारे को अपने अंदर इंटरनलाइज करना है, दे मस्ट कम ऑटोमेटिक, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और देखिए हर एक के अंदर अच्छाई बुराई हर एक के अंदर है, ऑल ऑफ अस हैव इट। जो जीतने वाले हैं, विनर्स होते हैं, वो अपनी गलतियां पहचानते हैं लेकिन फोकस अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर करते हैं। और जो लूजर होते हैं वो अपनी स्ट्रेंथ को पहचानते हैं लेकिन फोकस नेगेटिव पे करते हैं। लेकिन एक बात बताऊं आपको, ये कहना चाहता हूं कि इंसान के अंदर 10 अच्छाइयां होंगी, एक कोई ऐसी गलती होगी जो उसको एकदम नीचे गिरा देगी साहब। वो 10 अच्छाइयां हट जाएंगी, आदमी गिर जाएगा। आप देखें, अब हर एक की जिंदगी में होता है, आप 10 अच्छे काम कर लो, आप परिवार के लिए, देश के लिए, किसी के लिए, लोग भूल जाएंगे, एक गलती करोगे याद रखेंगे, होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। दिस इज हाउ इट इज, दिस इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। सो बात यह है, दिस इज ऑल, इसको कहते हैं चरित्र निर्माण। यू सी, यू हैव टू डेवलप कैरेक्टर।
किसी ने कहा है, ये भगवत गीता में लिखा था कि जहां बारिश नहीं होती वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार नहीं होते वहां नस्ल खराब हो जाती है। सही। तो एक और चीज लिखी थी भगवत गीता में कि अगर आपने चारों वेद नहीं पढ़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर सिर्फ आपने चार चीज सीखी, समझदारी, वफादारी, जवाबदारी, ईमानदारी, आपको जरूरत नहीं है कुछ पढ़ने की। साहब ये चारों वेद में यही कुछ लिखा हुआ है। दैट्स इट। बैठ के तोता बन के वहां पर दे टका टक टका टक टका टक टका टक पढ़ते चले जाओ, उसे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। समझदारी, वफादारी, जवाबदारी, ईमानदारी, दैट्स इट। और वे कुछ लिखा कहाँ है, कुछ भी लिखा ही नहीं है यार। हर जगह पर देखो ऐसा है, हमारे ग्रंथों में कहीं ना कहीं अच्छी चीजें लिखी है। अब मुझे तो संस्कृत मंत्र पढ़नी आती नहीं है भाई, ना ही मैं 50 मंत्र बंटन बोल सकता हूँ, मेरी तो समझ में नहीं आती है। आपको तो मैं छोटा सा एक शेयर करता हूँ ऑन द लाइटर साइड। एक घर में हाउसवाइफ थी, तो कोई समस्या चल रही होगी तो उन्होंने बुलाया किसी पंडित जी को, और पंडित जी को बोला कि पंडित जी बताइए कि क्या हो रहा है, बहुत सी चीज़ें खराब हो रही हैं। तो पंडित जी ने बोला कि भैया तुम्हारे टाइम ठीक नहीं है, कोई ना कोई देवी देवता नाराज़ हो चुके हैं आपसे। तो बोले क्या करूं मैं, बोले 33,000 देवी देवता होते हैं हमारे, 33,000 देवी देवता होते हैं, अब कौन सा नाराज हो गया मुझे मालूम नहीं है। तो बोले उसका रास्ता है कि ऐसा करते हैं हम पूजा करते हैं सबको, 33 करोड़ देवी देवता होते हैं तो उनको सबको शांत करना पड़ेगा। तो बोले कितना खर्चा आएगा उनको, तो बोले आप तो परिवार हो भाई, आपसे ज़्यादा पैसे थोड़ी ले सकते हैं। तो एक काम करते हैं, एक पैसा, सिर्फ एक पैसा पर देवी देवता को शांति करने में देते हैं। तो उस महिला ने जोड़ा एक पैसा 33 करोड़, तो 33 लाख रुपये बन जाता है। तो बोले करूँ शुरू, तो महिला ने बोला हाँ करो, शुरू करो। उन्हें महिला ने बोला एक काम करूंगी, आप एक एक देवी देवता का नाम लेते चले जाना और मैं एक एक पैसा रखती चली जाऊंगी। अब बोले तू नाम तो बोल पहले 33 करोड़ का। तो बोले नहीं मैं जा रहा हूं, तो मेरे से भी काम होता। अब भाग गया वहां से। देखिए हम लोगों के अंदर अंधविश्वास इतना भर चुका है कि हम अपने आप को गिरा रहे हैं। हमारे पॉलिटिशियंस ने आपस में जातिवादी का इतना नीच काम किया हुआ है कि एक्चुअली अगर ईमानदारी से देखा जाए तो जितना इन लोगों ने देश के साथ गद्दारी की है इनको तो सजा मिलनी चाहिए। आप देखिए पंजाब सारा ड्रग्स से खत्म हो चुका है। मैं अगर प्रधानमंत्री होता ना, मैं वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा के बाहर निकाल के 2 मिनट में ठीक करता हूं। वहां पे बंगाल में लोग भाग रहे हैं, उनकी पिटाई हो रही है, कम्युनल टेंशन इतनी हो गई है। मैं होता अगर प्रधानमंत्री, वहां पर 2 मिनट में प्रेसिडेंट रूल लगा के 2 मिनट में स्टेट वो ऐसे ठीक कर देता है। यहां पर ऐसा है, समाधान है प्रोवाइडेड वी वॉन्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। करेक्ट, एग्री। जो पार्टी PDP बोलती थी कश्मीर पाकिस्तान जाना चाहिए हमारी, वहां पर उनके साथ इन्होंने जाके सरकार बना ली। यू टेल मी वन थिंग, इज दिस द वे? इतना देश को बेचने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए देश को बेच दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। जितने क्रिमिनल सब पार्टी के थे सब ले लिए अपने वापस, बोले यहां पर आ जाओ, सबसे बड़ी क्रिमिनल पार्टी यही बन गई। इसलिए तो हारे हैं साहब, इसीलिए हारे हैं। लोग कहते थे कि हम TMC को वोट नहीं करेंगे, लेकिन TMC के 30% कैंडिडेट तो BJP में आ गए। तो अब यहां पर वही दिख रहा है, तो बोले हमने सोचा था BJP को वोट करेंगे, लेकिन यहां तो वही TMC दिख रहा है, तो बोले नहीं वोट करेंगे। बताओ ये चाणक्य नीति है क्या? ये चाणक्य नीति है क्या? नीति है। बात यह है समाधान बहुत है, समाधान बहुत है। जात बात की है, रिजर्वेशन इधर कर दो, रिजर्वेशन करा दो, क्या करोगे?
महाराष्ट्र में बोलते हैं मराठियों के लिए महाराष्ट्र हो गया, तो बाकी सारे पूरे हिंदुस्तान से मराठी को निकाल दें, निकाल दो, भेजो वापस वहां पर। व्हाट नॉनसेंस, ये तरीका है क्या? इन्होंने भूल गए कि हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों के लिए है, एंड दैट इज व्हाट द होल थिंग इज ऑल अबाउट। आजकल तो देखते हैं स्टेट्स में जब भाषण देते हैं, बंगाल में वो बंगला में ही देंगे भाषण देंगे, खास हिंदी में नहीं देंगे सब, खाली उनके लिए, क्योंकि हम बंगाली हैं इसलिए बंगाली में बोलेंगे। महाराष्ट्र में देखा अपना, वो खाली मराठी में बोलेंगे, भाषण देंगे वहां पर, और वो खत्म क्या होगा फिर, वहां हम बोलते हैं जय महाराष्ट्र, जय बॉम्बे, जय जुहू, अरे और भी कुछ बोलोगे क्या? ये क्या बात है यार, जय हिंद बंद हो गया क्या? जय हिंद नहीं है, यही हाल हो गया यहां पर। एक बात बताओ, ये जो जात पात की बात करते हैं, कभी आज तक इनसे पूछ लो, आप कभी बस या ट्रेन में कभी बैठते हो क्या, आप अपने बगल वाले से कभी पूछते हो तेरी जात क्या है? आज तक जिंदगी में 50 साल में पूछा किसी ने? नहीं पूछा, लेकिन जान के ये बैठ के यही तोड़ते रहेंगे। राजस्थान में उन्होंने जाटों को डिक्लेयर कर दिया बैकवर्ड, जाट कहाँ से बैकवर्ड हो गया, उसके बाद सारे देश में आग लग गई साहब। ये बात ये है कि घर के दुश्मन तो यहीं बैठे हैं साहब, घर के दुश्मन बैठे हैं यहाँ, और भारत रत्न मिल रहे हैं सबको। इलेक्शन से पहले देखे 7 भारत रत्न मिले, जिसने पंजाब को बर्बाद किया उसको भी मिल गया, जिसने राम मंदिर पे 40 गोलियां मार दी उसको भी मिल गया, सबको मिल गया, भारत रत्न मिल गया। क्या बट रहे हैं, भारत रत्न बट रहे हैं इलेक्शन से पहले, ये क्या है? वोट के लिए। कैसी बात है यार, रास्ते बहुत हैं, लेकिन सिर्फ एक ही चीज चाहिए, गद्दारी छोड़ो भारत जोड़ो। एक नारा होना चाहिए, गद्दारी छोड़ो भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, दैट्स इट, करेक्ट सर। ये नीट का इम्तिहान जो हो रहा है, अरे हाँ। पिछले 7 साल से हर साल पेपर लीक कर रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई, ना कोई जेल गया, ना कोई उम्र कैद गया, ना कोई फांसी हुई, बाकी यहां पर हर साल 30 लाख बच्चों की जिंदगी और उनके परिवारों की जिंदगी, करोड़ आदमी खराब हो गए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 10 करोड़ बांग्लादेशी रोहिंग्या इस देश के अंदर घुस के चले आए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसको कहते हैं गद्दारी, और देख रहे हैं साहब, देख रहे हैं कैसे हो रहा है। 2000 रुपए दो, बॉर्डर क्रॉस कर जाओ। तो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या कर रही है, बंदूक लेके क्या कर रही है, कबूतर मार रही है, वो कबूतर मारने के लिए बंदूक रखी है क्या? सही बात, किस लिए रखा है? 2000 रुपए दो, इधर आ जाओ, 2000 रुपए दो, आधार कार्ड बन जाता है, 2000 रुपए दो, आपका इलेक्शन कार्ड बन जाता है। देश के साथ गद्दारी नहीं है तो और क्या है? किसी और देश में ऐसे 10 करोड़ आदमी, 10 करोड़ आदमी घुस गया यहां पर, 10 करोड़ आदमी आपका देश टेक ओवर कर लेता है, कोई देश खड़ा हो जाएगा? परसों की देखो जर्मनी में क्या हो गया है, जर्मनी हंगामा शुरू हो गया है, बोले साहब हम आप लोगों को इस तरीके से टिकने नहीं देंगे, यहां पर रहना है रहो, नहीं तो आगे चलो। 10 करोड़ आदमी इस यहां देश में आ गए हैं, और कोई आज तक कोई बुलेट ही नहीं फायर हुई है, कुछ भी नहीं, 10 करोड़ आदमी घुसे हुए हैं। एक BSF के IG मिले हमको, तो मैंने कहा कोई और देश होता तो वो तो गोली वोली चला देते, बोले नहीं नहीं नहीं, फिर तो गोली चलाएंगे तो ह्यूमन राइट इश्यू हो जाएगा, और कई इनके ऊपर रेड भी हुई है, कितने 100 करोड़ रुपए मिले हैं जहां रिश्वत के, जो लोगों को घुसा रहे हैं यहां पर गद्दारी के, आप देखें तो कहता है ह्यूमन राइट्स इश्यू हो जाएगा। तो मैंने कहा 10 करोड़ आदमी को भूखा करके यहां पर गरीबी रेखा से नीचे कर दिया, वो ह्यूमन राइट इश्यू नहीं है। 10 करोड़ आदमी को मेल न्यूट्रिशन की वजह से बैठे हुए हैं, वो ह्यूमन राइट इश्यू नहीं है। 10 करोड़ आदमी की रोजगार आपने खा ली, वो ह्यूमन राइट इश्यू नहीं है। 10 करोड़ आदमी का मेडिकल बेनिफिट जो है यहां पर उनको हेल्थ केयर, वो ह्यूमन राइट इश्यू नहीं है। 10 करोड़ आदमी को स्कूल नहीं जा सकते क्योंकि आपने वहां पर धक्का मार दिया, वो ह्यूमन राइट इश्यू नहीं है।
मैंने कहा आईजी किसने बनाया तेरे को? हेलो आईजी किसने बना दिया, ये क्या है? Sensitive. तो अब बात ये है, अभी देखो ना झारखंड में 17 दिन में 13 पुल गिर गए। T1 टर्मिनल मार्च में खुला है, अभी टर्मिनल गिर गया है। क्या बात है यार, देशभक्ति है भाई साहब। मैं तो कहता हूं कि अगर ईमानदारी आज भी कहीं है ना, हमारी इंडियन फौज में है। इंडियन फौज में आज भी ईमानदारी है। और ये सब प्रॉब्लम जो है, इसका सब का समाधान हो सकता है। मैं अगर 30 दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दूं ना, बना दीजिए मुझे, ओनली 30 दिन के लिए, आई एम द प्राइम मिनिस्टर, और मुझे इंडियन आर्मी दे दीजिए, मैं देश को ठीक कर दूंगा 30 दिन में। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मैं क्यों इंडियन आर्मी की बात कह रहा हूं, बहुत साल पुरानी बात है। पंजाब में जो चीफ मिनिस्टर थे प्रताप सिंह कैरो थे, जब यूनाइटेड पंजाब था, हिमाचल हरियाणा सब एक था। अब तो टुकड़े टुकड़े जान के किए इन लोगों ने, क्योंकि हर एक को 10 चीफ मिनिस्टर बनाने हैं ना भाई, 15 चीफ मिनिस्टर बनाने हैं इन्होंने। वो उनके लड़के जो थे वो गुंडे हो गए थे, तुम नहीं जानते मेरा बाप कौन है, तुम नहीं जानते मेरा बाप कौन है, जिसको उठाओ लड़की को उठा लो, किसी को छेड़ दिया, बदमाशी कर दिया, मारपीट दिया, सब कुछ कर दिया। तो एक बारी वहां से 3 महिलाएं जा रही थी, तो इस कैरों के लड़कों ने उनको छेड़ाछानी कर दिया, बदतमीजी बेव किया। तो वो किसी फौजी की वाइफ थी वो, तो उसने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, फौजी को, यार ऐसे ऐसे हमारे को तंग कर रहे हैं। तो उसका हस्बैंड था कंटोनमेंट में, कर्नल दास, कहते आप रुको वहाँ पर, मैं आ रहा हूँ। वो अपना पूरा पलटन लेके आ गया साहब, पूरी पलटन लेके आ गया। अब इनको मालूम हो गया कि वो पलटन आ रही है, पिटेंगे ये लोग। अब ये भागे इधर उधर 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 जाके छुपने के लिए, वहाँ पर एक कुछ सिनेमा हॉल था, वहाँ छुप गए। तो उस कर्नल ने पूरी बिल्डिंग को घेर दिया, कहते एक एक सीट उठाओ और इनको एक चूहे तरीके से निकालो, सालों को बाहर निकालो इसको। सर एक एक को निकाला वहाँ से, उनको तीन थे वो लोग शायद, बाहर निकाल के उनके कपड़े उतार के कहले तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा जवानी चढ़ी है ना, अब तुमको दिखाता हूँ। दे उनको लकीर नंगा करके घसीट के लेके गए वहाँ से, कंटोनमेंट ले गए, कंटोनमेंट घसीट के सबके सामने। कैरों को खबर मिली, उसने फ़ोन किया उनको कि क्या कर रहे हैं जी। तो उन्होंने कैरा कहता मैं खुद आना चाहता हूँ आपको मिलने के लिए। सर वो कंटोनमेंट पहुँचे, पुलिस जा नहीं सकती कंटोनमेंट में। कैरो को बोल दिया कि गाड़ी के बाहर रखने ना, कोई नहीं आ सकता, पैदल अंदर आ सकता अंदर। कैरो पैदल गया अंदर ऑल द वे, और देखा उसके बच्चे पिट रहे हैं वहाँ पर। तो कैरो चीफ मिनिस्टर था, उसने नेहरू को फ़ोन किया, प्रधानमंत्री को, कि भाई मेरे बच्चों को बचाओ। तो नेहरू कहता ठीक है मैं मालूम करता हूँ। तो उसने चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी को फ़ोन लगाया, उस टाइम था जनरल थमैया। जनरल थमैया को बोला कि भाई देखो ये क्या हो रहा है, ये तो इसके कैरों के बच्चे पिट रहे हैं। थमैया ने, जनरल थमैया ने बोला कि मैं अभी वापस आपको जवाब देता हूँ। तो उसने मालूम किया कि क्या हुआ, किस तरीके से इन्होंने उन महिलाओं की बेइज्जती की। तो जब जनरल थमैया को सारा मालूम हुआ, तो जनरल ने उनको बोला बेटा इनको और पीटो, और नेहरू को फ़ोन किया वापस, कहता प्रधानमंत्री नेहरू वो जो बोला होगा, योर ऑनर, मैं योर ऑनर नहीं है, बोला योर ऑनर जो भी है प्रधानमंत्री साहब, जो लोग अपने बहू बेटियों और बच्चों की इज्जत नहीं बचा सकते, देश की इज्जत कैसे बचाएंगे, उनको बोलो पीटने दो उसको, और पीटो और पीटो। सब जनरल ने प्रधानमंत्री को बोला, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया, और उनको करने दो, जब तक करना चाहते हैं तब तक करो। जो लोग अपने बहू बेटियों की इज्जत नहीं बचा सकते, देश की इज्जत क्या बचाएंगे, ये है चरित्र। और आज जो मिसिंग है ना इस देश में, चरित्र मिसिंग है। साहब एक बात बताइए, जहां पार्लियामेंट में 50% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटर्स हैव क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, वो जनता क्या करेगी वहां पर, जनता क्या करेगी, आप बताइए। बिल्कुल सही,
तो जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे सरकार में और एडमिनिस्ट्रेशन में और पॉलिटिक्स में, तब तक यही कुछ चलता रहेगा। यहाँ पर खाली चिल्लाते रहते हैं हमारी जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, और हम स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट। अभी इसी बजट में क्या आया है, इसी बजट में स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं। इनको इतनी समझ नहीं है कि देश कभी स्किल डेवलपमेंट से देश का निर्माण नहीं होता, हमेशा चरित्र निर्माण से ही देश का निर्माण होता है। इसी एक स्किलफुल डॉक्टर होगा जिसका चरित्र नहीं होगा, झूठी सर्जरियां करेगा, झूठे प्रोसीजर करेगा, और उसके लिए एक बीमार आदमी इज नॉट ए पेशेंट बट ए टारगेट। एक स्किलफुल लॉयर होगा जिसका चरित्र नहीं होगा, जो काम 5 हियरिंग्स में खत्म होने वाला है 500 हियरिंग लटकाएगा साहब आपको। और जो काबिल एक अगर जज होगा जो जिसका चरित्र नहीं होगा, वो फैसले सुनाएगा, इंसाफ नहीं सुनाएगा साहब। सेम थिंग ए आईएएस आईपीएस ऑफिसर हु इज स्किलफुल बट जिसका चरित्र नहीं है, वो खुद ही गुंडा माफिया बन जाएगा साहब। ए स्किलफुल पॉलिटिशियन हु लैक्स कैरेक्टर, वो अपना देश को खुद ही बेच देगा, जैसे बिक रहा है आज, बिक रहा है। और आप छोटी सी चीज देखिए, रावण कितना ज्ञानी था, किस चीज की कमी थी, चरित्रहीन था। आज हम स्कूल कॉलेजों में अगर चरित्र नहीं सिखा सकते या सिखा नहीं रहे, तो खाली रावण को ही पैदा करते चले जा रहे हैं साहब। ऐसे देश का निर्माण कभी नहीं होता साहब। मैं तो कहता हूं कि आज का संदेश आपके जरिए अगर प्रधानमंत्री तक पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात है, पूरी कोशिश करेंगे हम। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं कहता हूं ये बजट अगर कोई सही सलाहकार इनको मिलता तो इनको बजट इस तरीके से बनाना चाहिए ताकि देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़े, डबल डिजिट ग्रोथ होगी, डबल डिजिट। इसी बात ये है, 80 करोड़ जनता को रोज फ्री खाना मिल रहा है, लेकिन देखिए हम कितना बड़ा काम कर रहे हैं, ये दुख की बात है। जानते हो लोग आज इंसाफ चाहते, खैरात नहीं चाहते। सुनो ध्यान से अमित, इंसाफ चाहते, खैरात नहीं चाहते। इनको चाहिए कि उनको सही तरीके से रोजगार दें। आज की 8% जीडीपी हो रही है, कैसे सबसे तेज हमारा देश बढ़ रहा है जीडीपी में, जानते हो, उस 8% में से 7.5% तो 50 परिवारों को मिल रहा है, बाकियों को तो मिली कुछ नहीं रहा है। ऐसे देश का निर्माण होता है। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम कर क्या रहे हैं, वी मस्ट अंडरस्टैंड। ऐसे बजट निकालते हैं ये लोग, ये इसको इंसेंटिव देने वाली बात है। मेक इन इंडिया इनको समझ में नहीं आता है कि मेक इन इंडिया करे। आज की तारीख में जानते हो लोग मैन्युफैक्चरिंग जितनी वियतनाम में जा रही है, बांग्लादेश में जा रही है, टर्की में जा रही है, यहां नहीं आ रही है। छोटे छोटे देश, बांग्लादेश इज द सेकेंड हाइएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेड अप गारमेंट्स इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, सेकेंड हाइएस्ट बांग्लादेश। और चाइना से जितनी इंडस्ट्री वहां से उठ के आ रही है, जा रही है वियतनाम, जा रही है टर्की, जा रही है। तो ये क्या, मैं तो हैरान हो गया। मैं तो कल ही परसों हैदराबाद से आया तो मैं गाड़ी में बैठा था, बहुत अच्छी गाड़ी चल रही थी, तो मैंने कहा बहुत अच्छी गाड़ी है भाई, ये कौन सी नई गाड़ी आई है, ये बोले है BYD गाड़ी। नाम सुना था BYD का, बहुत ज्यादा नहीं सर, मैंने नाम ही नहीं जिंदगी में सुना। मैं कहा BYD क्या होता है, बियॉन्ड योर ड्रीम्स, BYD बियॉन्ड योर ड्रीम्स। मैं कहा यार ये टोयोटा निशान मर्सिडीज का नाम सुना है, बियॉन्ड योर ड्रीम्स तो गाड़ी का नाम नहीं सुना मैंने। बोले चाइनीज गाड़ी है सर, चाइनीज गाड़ी 3 साल से यहां पे आ रही है, जो आपके लद्दाख में वहां पर थप्पड़ मार रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, उनकी उनकी हमने 3 साल से गाड़ियां लानी शुरू कर दी। साहब कमाल का देश है यार, और सारे यहां के पैसे उनको देंगे और वही बंदूक खरीदेंगे और वही बंदूक से लड़के मारेंगे यहां पर। सर ये कैसी नीति है सर ये, और ये अभी हाल ही में हुआ है, हाल ही में हुआ है। हमारी समझ में नहीं आती कि इनके सलाहकार कौन है सर, इनके सलाहकार कौन है। 3 साल पुरानी अभी BYD
गाड़ी आ रही है, खूब आ रही है कहता है। मैं देखी मैंने, यस ऑन रोड, यस सर हमने तो नाम ही नहीं सुना था परसों तक। ये नहीं पता था मुझे चाइनीज है, मुझे मालूम ही नहीं था, मुझे नहीं पता। बाकी गाड़ियां मर गई है क्या यार? BYD। मैंने कहा इसका मतलब क्या होता है? बियॉन्ड योर ड्रीम्स, चाइनीज गाड़ी आ रही है। और फिर जानते हो वहां से ऐलान करते हैं, अनाउंसमेंट होती है देश, लाल किले से उधर से, कि चाइनीज मत खरीदो, चाइनीज मत खरीदो, देशभक्ति बन, और साहब खुद ही वहां पे बंद कर, चाइनीज मत खरीदो, क्या करोगे यार? कमाल की बात है यार, कितनी गद्दारी है आज इस देश की। तो इस तरीके से इतना ऊपर ले जा सकते हैं हम देश को अगर सही पॉलिसीज हो हमारी। जानते हो आज इन देश में एक तिहाई जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो जाता है ऑयल इंपोर्ट करने के लिए, ऑयल इंपोर्ट करने के लिए, एक तिहाई जाता है बाकी चीजें इंपोर्ट करने के लिए, और एक तिहाई जाता है गोल्ड इंपोर्ट करने के लिए। और इसमें अभी बजट में गोल्ड के ऊपर ड्यूटी और कम कर दी सब, नहीं ताकि और गोल्ड मंगा लो आप। गोल्ड से क्या करेंगे? गोली, चलो गोली बनाएंगे, बंदूक की गोली बनती है, गोल्ड से तो ज्वेलरी बनती है सर। सर इनको गोल्ड क्यों चाहिए? और पैसा यहां से बाहर जा रहा है। जानते हो हिंदुस्तान के मंदिरों में 15,000 टन सोना पड़ा हुआ है मंदिरों में, 15,000 टन। उसी के ही अगर बॉन्ड बना के सारे निकाल दे तो सर ये तो यहां तो इमीडिएटली पैसा बच जाएगा। इनके सलाहकार कौन है सर? PhD, MD, CD, MBA, DD, इकोनॉमिस्ट कौन है यार? समझ में नहीं आ रही है। जानते हो अमित, आप इस देश की पॉलिसियां ज्यादा अच्छी बना सकते हो बजाय यहां पर जो बैठे हुए हैं वहां पे। जानते हो क्यों? ऑल यू हैव टू डू इज वन थिंग, देश का हित अपने हित से ऊपर रखो, काम खत्म हो गया, और कुछ नहीं चाहिए। जहां गुंडागर्दी मारा पीटी हो रही है, जहां पर भाग भाग के लोग आ रहे हैं, जहां पर ठीक नहीं, प्रेजेंट रूल करा, रूल लगाओ ना यार, काम खत्म करो अपना। जहां पूरा देश प्रांत को ड्रग में डोल दिया, अगर गुंडागर्दी गए, एक बात बताओ, पुलिस और पॉलिटिशियन की मिलीभगत के बिना कभी इस तरीके से ड्रग बिक सकता है? कभी कभी बिक सकता है क्या? नेवर। तो गलती किसकी है? सेंटर की है। कैसे अपने प्रांत को देख सकता है बिगड़ते हुए? करेक्ट। रास्ते हर हैं यार, तरीके हर चीज का रास्ता है, ये थोड़ी है। जब करने की नियत ना हो तो फिर गद्दारी करता आदमी।